जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बना कर लेकर आई। थैंक यू सो मच आपने। गाड़ी में देखे घर आई और ये निकल पड़ी है बाहर। तो जी 3-4 दिन बीच में मैंने रेस्ट की है, तबीयत ठीक नहीं थी, थकावट थी, व्लॉग बिल्कुल नहीं की है। और दूसरा घर आना जाना काफ़ी लोगों का लगा हुआ था, मिलने के लिए काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी रिश्तेदार आ रहे थे, तो बस उसी चीज़ में मसरूफ थी। बाकी अब मैं बाहर इसीलिए निकली हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत आ रही है और हम घर पर रखते हैं छोटा सा दस्तरखान, तो बस उसी की तैयारी करने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं, मैं, मामा और काजिन। बाकी जो जो लेते हैं जैसे जैसे तैयारी करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, दस्तरखान में फांसी दुनिया की है कि हमने हर चीज़ ज़्यादातर मेजॉरिटी ग्रीन में रखी होती है। जैसे अभी हमने ग्रीन ये ले ली है कैंडीज और अब मम्मा ग्रीन सब्जियाँ देख ली कि किस किस में चिकन या गोश्त डाला जाए और पकाई जाए। अब मम्मा सेलेक्ट कर रही है अभी। जी लास्ट काउंटर हमारा अब ये है जहाँ से मम्मा मटन वगैरह कीमा ले रही हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि छोड़ लेना है नहीं तो डेकोर की तरफ चलेंगे। जी अब हम आ गए हैं बिल काउंटर पे और बिल करवाने लगे हैं क्योंकि मम्मा ने कहा जी कि बस इतना सामान बहुत है, बाकी कुछ रह गया तो वो कल ले लेंगे। फ्लावर शॉप पर आए हैं, कल हमने एक मौला हसन के नाम का बोर्ड बनवाना है तो उसका ऑर्डर देने के लिए। ये इंसान ठगियां लगाता है लोगों के साथ, ठीक है, कोई इसको फ्री में अनक दे के चला गया और ये फ्री की अनक पहन के अब शोहर है। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, फ्लावर्स का ऑर्डर दे दिया है, बात हमारी हो गई है। और काजिम कह रहा है यहाँ पर मेरा सेइंग यस करो। सेइंग यस तो बनता है ना, ये दस्तरखान गुजर जाए इंशाल्लाह खैरियत से, फिर इसका सेइंग यस भी करते हैं, ये अजाब भी खत्म। 25 करोड़ रुपया लो आ देना सेइंग यस, एना होएगा तो दवांगे ना 25 करोड़। मैं आई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे और वो है ये, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ पर भी ऐसे ही खाना था लेकिन पता नहीं ये वाला मज़ा वहाँ नहीं था। आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम ये वाला जायका मदीना में नहीं था, हालांकि खाना सेम था वहाँ। तुम्हें क्या हुआ काजिम, अस्तगफिरुल्लाह, रिज़क ऐसे नहीं करते। तुम एक दिन वाला तो लगा कर देखो, ये ऑलिव ऑयल है। कार दी रोटी ला करेगी। हाँ अरे रोटी नहीं है खुबूस है। हम आ चुके हैं घर, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है जो हमने दस्तरखान के लिए चीज़ें लेनी थी। अब मैं और काजिम बैठ के डिसाइड कर रहे हैं डेकोरेशन का कि डेकोरेशन क्या की जाए, क्योंकि बाहर हम गए हमें कोई चीज़ इतनी खास मिली नहीं है, तो या तो डेकोरेट वाले को बुलाएंगे या खुद ही पेपर से फ्री होगा ये तो उससे। हाँ शालमी नहीं, उधर से कुछ भी नहीं था लेने वाला, शालमी शालमी से मिल जाएगा। एक मिनट तुम्हारी भी तुम्हारी बात करते, पहले काजिम भाई की बात सुनो। अच्छा शालमी जाएंगे, शालमी से जो चीजें लाने वाली हैं वो ले आएंगे, देखेंगे जो पसंद पसंद आता रहेगा लेना। किसी भी एक दफा पेपर देके मारिया मैंने 4:30 वहां से फ्री होके। अब ये इतना थका हुआ आएगा पेपर देके, लेकिन चलो फिर भी इसको छोड़ दिया, नहीं तो तुम अपने दोस्त को बोल देना वो कर देगा। अपने तुम दोस्त को बोल देना कि नॉर्मल नॉर्मल पैसों में वो जाए नहीं कि वो आके डेकोरेट कर दे, ठीक है। वो तो पूछ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ थीम जो भी है। वैसे तो हमारा ज्यादा थीम है ग्रीन और व्हाइट का, हमारा दस्तरखान भी ग्रीन है और बाकी कल आप चीजें देख लीजिएगा। तो मेन जो कलर है थीम का वो है ग्रीन। अब देखते हैं ग्रीन में क्या डेकोरेट होती है, नहीं तो कोई ना कोई हम घर से जुगाड़ लगा लेंगे। अभी आप लोगों से मैंने एक बात शेयर करनी है कि मुझे पिछले व्लॉग पर कमेंट आया है कि गयूर रोजा रखे, मैं गयूर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगा, किसी ने ये मुझे कमेंट किया है। और अब गयूर भाई आपका इस पे क्या कहना है, आप पूरा रोजा नहीं, इसको अगर रोजा निभाने वाला रोजा रखना है तो प्रॉमिस हो गया। ये आप उनसे प्रॉमिस करो जिसने कमेंट किया है आपको।
आप मैं जो मर्जी पर थैंक यू भाई, अब आपने बोल दिया मैं प्लीज जरूर रोजा रखूंगा। हाँ, और इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है तू? वो ये कहना चाह रहा है कि आपने मुझे बोल दिया गिफ्ट का, आपका गिफ्ट मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। वैसे भी इसने रोजा रखना ही रखना है, ठीक है, हम इसे रोजा रखवाएंगे और प्रॉमिस लेंगे पक्का वाला, गॉड प्रॉमिस के ये रोजा नहीं तोड़ेगा। रोजा इसी शर्त पे रखवाएंगे कि आप जिस दिन स्कूल नहीं जाएंगे उस दिन आपका रोजा होगा, नहीं तो हमें पता है, हाँ हमें पता है कि आप रोजा तोड़ सकते हैं, आप में बर्दाश्त नहीं है। ओके, स्कूल जाना है, बस बर्दाश्त मेरे इस भाई में है, मोटे बहुत भूख लगी हुई है उसको, और प्लीज उसको कुछ खाने के लिए। दाशी दा रोइना रोइना है, दाशी रो लग गया, रो लग गया दाशी। हेलो, लड़ो लड़ो अली लड़ो लड़ो गाइस, वो पड़े हुए मेरे हार वगैरह पैसों वाले, ठीक है, क्या आपके क्या मेरे सौ रुपया पैसे ना उतारी ऊपर से, सौ रुपया जो आपका वो मेरा, जो मेरा वो मेरा। वाह 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 वाह, लोग मुझे मुबारक, वो आप ही का अभी उसको मिला नहीं है पैसे ना ये इसने लाइटर पकड़ लिया तो यहाँ पर मम्मा ने आज ही सारी कटिंग वगैरह करके सब्जियों की रख ली है, क्योंकि मम्मा ने कहा कि कल शाम में जल्दी उठ के सारा खाना बनाना है और तीन चार आइटम्स बनानी है, तो इसलिए बाद में तंगी ना हो कि जल्दी जल्दी पड़ी होती है फिर के या खाना बना ले या सब्जियां काट ले, तो वो आधी चीज़ें अभी से रेडी करके रखेंगी ताकि कल उन्हें किसी भी चीज़ में लेट ना हो, देरी ना हो जाए। पड़ रही है यहाँ पे जी, फजर पड़ रही है, बहुत ज़रूरी काम अपना, बड़े गौर से जो देख रही है, ये तो मैं खुद हूँ, है ना फजर, खोलो इसको, बस अब इसने वीडियो की तरफ देख लिया, अब नहीं ये करेगी कुछ भी। हाँ चलो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ तू अब पढ़। यहाँ पर मामा ने रात के 4 बजे कुकिंग स्टार्ट कर दी है, ये मम्मा ने पता नहीं क्या रखा, मैं देखती हूँ, ये मम्मा ने रख दिया गोश्त गलने के लिए और साथ में अभी काजिम के लिए शामी बनाने लगी, वो कह रहा मैं शामियाँ खा के तो रोज़ा रखूँगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा अभी क्या बनाएंगी और उठ के क्या बनाएंगी। ये भिंडियाँ मम्मा ने रख दी हैं फ्राई होने के लिए और मैं थोड़ा सा काम कर दूँ, थोड़ा सा मम्मा कहना बस तू चम्मच हिला के ये साबित करेगी कि तूने बहुत काम किया है। और अब मैं जाऊँगी ऊपर क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, सुबह बाबा के दोस्त ने आना है, बाकी न्याज बनेगी इस पतीले में, वो नीचे चूल्हा है, ये हमने अपने रिलेटिव से मंगवाया है, तो इस पतीले में जो मेन मेन कोर्स है ना न्याज का वो इसमें बनेगा, और वो सुबह बाबा के दोस्त आएंगे बना, अंकल शाहिद वो बनाएंगे लंगर, क्योंकि वो वैसे ही बहुत अच्छा लंगर बनाते हैं, जब हम 7 भी गए थे तो सारा लंगर उन्होंने बनाया था और वो मैंने आपको ट्रेन में दिखाया भी था और वो बहुत मजे का बनाते हैं। हेलो मामा, बताया आप मुझे कल के मेन्यू में क्या क्या है, कुछ चीजें तो मैंने लोगों को दिखा दी है, बाकी आप मुझे बताओ। भिंडी है और भिंडी गोश्त, हाँ मटन है सब, और कचनार है, और मूंगी साबुत मूंगी जो ग्रीन कलर की होती है दाल, वो दाल है, ठीक है, साथ में पुलाव है, चिकन पुलाव मटन पुलाव सोच रही हूँ, चिकन पुलाव बनाऊंगा, चिकन की हो जाएगी, और मीठा होगा, ठीक है, जिसमें मतलब मीठे में कस्टर्ड है, दूध वाली सेवियाँ, कस्टर्ड नहीं मैं बनाऊंगी मैं, अच्छा, बनाना फ्लेवर वाली जेली बनाऊंगी, अच्छा, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की जिसमें बनाना डालूंगी और ऊपर फिर क्रीम के साथ बड़े आराम से लिखा जाता है, ठीक है, तो मीठे में वैसे कस्टर्ड बनवाया है ज्यादा वाला। अब ये जो जो चीजें आप बता रही हैं ये आप बना लेंगी, आधी तो मेरी तकरीबन बन गई है, हाँ, अभी कुछ चीजें बना के आप रख देंगी, मैं अभी बना एक दो आइटम, बाकी सुबह उठ के बनाएंगे आप, ठीक हो गया। बाहर भी रोजा बंद हो गया, कुगू बज रहा है, कुगू सायरन जो भी है वो बज रहा है,
तो मैं भी बस जा रही हूँ ऊपर सोऊंगी क्योंकि सुबह मैंने उठना है जल्दी। काम तो मैंने वैसे कोई कराना नहीं लेकिन चलो वैसे जल्दी उठ जाऊंगी, मम्मा को कोई जरूरत होगी मेरी तो। सुबह उठना है बाजार जाना है बटन लेने। ठीक है सुबह उठना है बाजार जाना है बटन लेने के लिए। अभी आप मुझे दे इजाजत कि जैसे कि आपको पता है कि कल हमने सारी दस्तरखान की तैयारियां कर ली थी, कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो अभी मैं कर रही हूँ। जैसे कि ये डेकोर रह गया था, बाहर से डेकोर का पूछा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे तो हमने कहा चले जी खुद ही कुछ जुगाड़ वगैरह लगाते हैं। और दूसरा जो मम्मा के मेन्यू की बाकी चीज़ें रह गई थी मम्मा वो बना रही हैं, जिसमें से पुलाव था ये। अब वो मम्मा ने पुलाव रख लिया कि पुलाव ताज़ा ताज़ा बनाएंगे। और यहाँ अंकल शाहिद ने कीमा चाँप भी तकरीबन सारी रेडी कर लिया। बीच में अब ये देखिए डालने लगे हैं प्योर देसी घी पाक वालों का। तो बस अभी काजिम का वेट कर रही हूँ, वो गया हुआ है जो हमने कल बोर्ड दिया था बनवाने के लिए वो लेकर आएगा। सब कुछ जब रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं और मम्मा जाएंगे रेडी होने के लिए, फिर आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। जी ये वाला हमने फ्लावर बोर्ड कल उनसे बनवाया था लेकिन उन्होंने टू मच पैसे लिए हैं। और मतलब मोला का नाम है खूबसूरत है लेकिन जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बना कर देंगे वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल बना कर नहीं दी। और मेरा मशवरा ये है कि मैं तुम हो ही बदतमीज़, मेरा मशवरा ये है कि हम दोबारा उनके पास ना जाएं। और ये डेकोरेट मैंने कर लिया जितना मेरे से हो सका। अच्छा और ये जी ये मोला हसन का हमने बनवाया था बोर्ड, लेकिन बोर्ड उन्होंने उतर गया जे। अब काजिम लगाएगा ये आके बार बार उतर रहा है। तो ये बोर्ड उन्होंने हमने उनको बोला था कि ये हमें मोटे वाला चाहिए लेकिन उन्होंने बहुत हल्का बना कर दिया है। जी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ नीचे ताकि मैं देखूँ कोई काम है तो वो मैं कर लूँ और फिर मामा रेडी होने के लिए जाए क्योंकि मेहमान आने लग जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मामा ऐसे ही फिर रही हूँ। और ये है जी मेरा फुल लुक। और आज मैंने और मामा ने फिर से करनी है ट्विनिंग। ज़्यादातर हम इवेंट्स पे ट्विनिंग ही करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मामा और मैं सेम कपड़े पहने। ये दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम सजा लिया है ये देखिए सारा। और बस थोड़ी देर तक लंगर स्टार्ट होगा और यहाँ मामा रेडी होकर बैठ गई हैं। बीपी उनका अब नॉर्मल है अल्लाह का शुक्र है। दाशी भाई भी तैयार हो गए हैं, बाबा भी तैयार हो गए हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मामा ने सुबह का बड़ा डांटा है। बड़ा ये है जी बाहर का जेंट्स का इंतज़ाम हमने बाहर रखा था, कीमा दम पर है और ये जेंट्स का इंतज़ाम सारा बाहर है। इन लोगों ने भी ट्रेनिंग की हुई है लेकिन इन लोगों को छुड़ा हुआ पिस्तौलों का चा। मुझे शर्ला लगा ना, क्या बने हुए हो तुम इतने थके बदमाश। कल जी वो काजिम गैस वाली पिस्टल पकड़ के लगा हुआ ठप 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 और आज ये लोग प्लास्टिक की बहुत शौक है। है पहला है तो प्लास्टिक ही ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है पता है। पुलिस के सामने हम लड़ रहे हैं। आपको क्या पता अंश के पास ऐसी लोहे की पड़ी हुई है अंश की, वो असली नहीं होगी, होगी वो नकली नकली है नकली वो। गाइस अब इस लड़की को मोटिवेट करो कि ये भी व्लॉग स्टार्ट करे। ठीक है इसने वादा किया हुआ कि मैं करूंगी लेकिन इसे बहुत शर्म आती, जैसे स्टार्टिंग में मुझे आती थी ना अब इसको बहुत शर्म आती। तो ये इसको सब बोला तुमने करने हैं स्टार्ट। ओके जी माशाल्लाह यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है लंगर। ये देखिए दो कुक खड़े हुए हैं, दो कुक खड़े हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बाबा के सब दोस्त आ चुके हैं जी। कस्टर्ड भी आ चुका है वो भी ग्रीन ग्रीन। ये देखिए जी ये कौन सा फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है जी कस्टर्ड का। और ये पूरी मम्मा ने देख बनवाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मम्मा कह रही थी नहीं बनाया जाएगा। अब मम्मा जो चीज़ें मम्मा ने रात को बना ली थी अब वो गर्म करके तो अंदर दस्तरखान पे रखने लगी हैं। थैंक यू सो मच मोमना आप आई, आपने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, थैंक यू सो मच। और आप मुझे मेरी पहली दोस्त है जिन्होंने मुझे पहले मुबारकबाद दी है लेकिन अभी तक मेरी किसी दोस्त ने मुझे मुबारक ही नहीं दी है। थैंक यू सो मच। चले जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जिस तरह सोचा था वैसे हो गया है। काफ़ी लोग काफ़ी रिलेटिव आ गए हैं, काफ़ी आने वाले हैं, जो आ रहा है वो खा के जा रहा है फिर और आ रहे हैं। बाबा के भी काफ़ी दोस्त खा कर चले गए हैं और खिला रहा देखो साढ़े घर पे हैं साथ साथ आंटी शाजियाँ काम कर रही हैं। तो मैंने और अभी मामा ने नहीं खाया, मैंने कहा पहले सब खा लें फिर एंड में मैं और मामा खाएँगे। जी
ये है आज का केक, बहुत खूबसूरत बना है। वो यकीन हसन मुझे तबाह है, वो यकीन हसन मुझे तबाह है, जो नबी के लिए देखे अर्श उतरा हुआ उसे तलब है, मस्जिद में चल कर तो देखे अर्श उतरा हुआ उसे तलब है, पढ़ रहे नूर से एक भरपूर सब है, नूर बहाल शाबीर मौला जिस शहनशाह के पीछे खड़ा है, वो यकीनन हसर मुझे तबा है, वो यकीनन हसन मुझे तबाह है। चलो जी चलो कटो कटो चलो चलो मामा सारी दुनिया खुआ के फिर मैं खुआएगी। हाँ, तुसी भी खाओ। चलो जी अब ये जा रही है, ये गेस्ट आए हुए थे, मैं उस टाइम क्लिप नहीं बना सकी। ये काजिम की दोस्त भी है, बहन भी है, ये उसका भाई। आपका नाम क्या है? हुबेल और मसूमा अदनान, यही नाम है ना आपका? हाँ याद है। तो ये मेरी तो इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, पर माशाल्लाह मेरे भाई की बहुत फैन फॉलोइंग है। यू नो फैन है मेरी छोटी, फ्रेंड्स कॉल इसके बहुत है। इसकी बहन हूं मैं, बहुत फैन है मेरी। फैन जदे मुंह दे फैन नहीं होंदे। अल्लाह हाफिज़ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हो चुका है सब कुछ खत्म, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ जैसे सोचा था वैसा हो गया है। मेहमान चले गए हैं और इस टाइम तकरीबन 1:30 बज रहा है, बस अब पानी का वेट कर रहे हैं ताकि सारी सफाइयाँ करके भी कमरे का हाल देंगे, सारी सफाइयाँ करके तो फिर लेटेंगे जी। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे मेरे घर उम्रे की मुबारकी देने आए पहले भी, क्योंकि वो मैंने क्लिप्स बनाए थे लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे पूछ के क्लिप्स इसमें ऐड कर दूँ। और बाकी जो लोग आज मुबारकी देने आए ये सब हैं जी, थैंक यू मोमना, इतना प्यारा जोड़ा दिया आपने, शलीना आपा और जो भी काजिम की एक फ्रेंड थी वो भी आई, मसूमा, और ये बुके ये हार जिसने मुझे दिए, आंटी शहजादी थैंक यू सो मच। मैंने सबका नाम बीच में ले लिया है, आप लोग देखेंगे तो मुझे कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, लव यू हो गया। जब आपके घर पर कोई इवेंट हो फिर घर के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये मुझे दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन ये सारा साफ अब मैं मामा और जो हमारे साथ हेल्प करवाती हैं आंटी शाजिया वो करवाएंगी। तो बस मेरी फैमिली कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जो लोग व्लॉग में आना नहीं पसंद करते और फिर मैं उन्हें लाती भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बाकी जितना मैंने मतलब मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं दिखा सकूं उतना मैंने आप सबको दिखाया। बाकी मुझे दे इजाज़त, अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा और हर ऐसे इवेंट पे अपने मौला के दिन पर मैं आप सबको भी याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। मुलाकात होती है हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।